इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे इस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये कैसे होगा, अगर ये बनाने दे दे तो कैसे बनाए इसको। देखो दिस इज आइसो ब्यूटेन, दिस इज आइसो ब्यूटेन। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा दूंगा ना तो ये आइसो ब्यूटाइल हो जाता है। दिस इज योर CH2, दिस इज योर आइसो ब्यूटाइल। अगर मैं यहां क्लोरीन लगा दूंगा तो कहलाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं यहां अल्कोहल लगा दूंगा तो कहलाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पे क्या है आइसो ब्यूटाइल, ये हो गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड MGBR। ये है क्या, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिख रहा है ना, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को किससे ट्रीट किया, एब्सोल्यूट अल्कोहल से, किसमें ड्राई ईथर। अब देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, कुछ नहीं होता, इथेनॉल होता है जिसमें वाटर का कंटेंट 1% से भी कम होगा, मींस इथेनॉल होगा, इसमें वाटर होगा प्लस H2O। अब H2O कितना होगा, H2O बहुत कम होगा, लेस देन 1% बोला जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली समझिए अल्कोहल लिया है, इथेनॉल ले लिया तो रिएक्शन पूछ रहा है। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन होगा कहीं पर भी वो एसिडिक होता है। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर, यहां पर आपको मिलेगा H+, मींस ये आपको इसमें ब्रेक कर जाता है, ये है ना, ये इसमें ब्रेक कर जाएगा CH3 CH2O- और H+ में ब्रेक कर जाता है, अल्कोहल अल्कोक्साइड प्लस H+ देगा। ये H+ क्या करता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये यहां पे माइनस होता है और ये लोग क्या होते हैं प्लस होते हैं। पता है ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या सप्लाई करता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को मान सकते हैं अगर RMGBR है कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो क्या सप्लाई करता है, वो R- सप्लाई करता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जहां ये है मतलब वहां ये है। तो अगर ये है यहां पर तो ये किससे रिएक्ट करेगा, H+ से रिएक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये दिस कार्बन इज माइनस, ये सीधा H+ से रिएक्ट करके क्या बनाएगा CH3 CH CH3 CH2 और H चलाएगा, H+ चलाएगा और क्या बनेगा, ये जो है अल्कोक्साइड ये MGBR के साथ चला जाता है, तो बनेगा CH3 CH2 O- MGBR+, तो ये बनेगा आपका, तो क्या बना एल्केन बना और ये बना। हमेशा याद रखना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो अब बन तो ये रहा है बट ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एल्केन थोड़ी ना बनाना, हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए, अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड पे अटैक करना, उसके लिए यूज होता है। एल्केन बना के हमारा क्या, एल्केन बनाने के तो बहुत अच्छे तरीके हैं, इसमें हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट को वेस्ट क्यों करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पता करने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि जब भी अल्कोहल होगा या एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन होगा कहीं पर भी H+ अगर दिख गया उसको, वो सिंपली एल्केन बनाएगा, वो बाकी कोई रिएक्शन नहीं करता है। This carbon simply combines with H+ to give you alkene.